दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो है सोलर पैनल के ऊपर। आज हम लगाएंगे 1 किलोवाट का सोलर पैनल। तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का सही तरीका क्या है? सोलर पैनल 1 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो, उसको लगाने का सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि काफी जगह पे मैंने ऐसा देखा है, सोलर पैनल आंधी और तूफान में उड़ जाते हैं, कहीं उनकी वायरिंग जल जाती है, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। मगर जो सही तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ना ही आंधी और तूफान में उड़ेगा, ना ही वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सारा जो सामान है वो गाड़ी में आ गया है और ये पूरा जो सेटअप है वो लुमिनस कंपनी का है। तो लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर भी है, बैटरीज भी है, और यहाँ तक कि सोलर पैनल भी लुमिनस का है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हम यूज करेंगे जीआई स्ट्रक्चर। जीआई स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो सारा सामान को जो है उतार लिया गया है, सोलर पैनल को छत के ऊपर पहुंचा दिया गया है, बैटरीज और इन्वर्टर और स्ट्रक्चर नीचे हैं। तो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6 लेग छोटे हैं और 6 लेग बड़े हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और इसमें 6 लेग हो गए और 6 पर्लिन हो गए टोटल यहाँ पे, यानी कि एक पैनल में हमारे जो 4 लेग यूज होंगे, 2 छोटे और 2 बड़े, 2 पर्लिन। तो यह है सोलर पैनल। सोलर पैनल की जो वारंटी है वो 25 साल की होती है और ये कंपनी है लुमिनस का ही पैनल है। और ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जीआई है। वैसे तो मैंने काफी सारी वीडियोस देखी हैं और लोग बनाते भी हैं, एंगल का स्ट्रक्चर बनवाते हैं, मगर एंगल के स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर आंधी आती है, बारिश आती है, तो पानी में वो क्या होता है, जंग लग के कुछ समय बाद खराब हो जाता है। मगर जीआई में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आता है। अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हो वेबसाइट के थ्रू, अमेजोन के थ्रू। तो ये जो स्ट्रक्चर है अब हम इनको फिट कर रहे हैं सोलर पैनल को लगाने के लिए। तो इसको फिटिंग बहुत ही ईजी है और इसके जो नट बोल्ट हैं वो भी जीआई ही यूज किए हैं, क्योंकि नट बोल्ट में भी जंग नहीं लगना चाहिए। यानी कि सारा सामान जो है काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया जा रहा है। तो ये जो नट बोल्ट हैं इनसे हम इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर की फिटिंग होती है। तो दोस्तों, अभी जो है लॉकडाउन खुल गया है हमारे यहाँ पे कुछ समय के लिए, उसका टाइमिंग है, तो उसी के बीच में ये काम किया गया है। अभी जो है मैं मार्केट से आया हूँ तो अभी मेरे फेस पे मास्क लगा हुआ है, मेरे साथ वालों के मास्क लगा हुआ है। जब अभी हम लोग मार्केट से आए हैं, कुछ समय बाद हो सकता है हम इसको उतार दें। तो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं उन सभी को हम फिट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 पैनल लगेंगे, पूरे 6 स्ट्रक्चर तैयार होंगे ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चाबी है प्लास का यूज करके इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और इसका जो होल है एकदम बराबर है, यहाँ पे वार्सल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है हमको। और यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो है सही तरीके से टाइट करना। अगर हम सही तरीके से इसको टाइट नहीं करेंगे तो आंधी तूफान में ये उड़ सकता है, तो इसको टाइट करना काफी जरूरी है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, दूसरा स्ट्रक्चर को भी तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे सारे स्ट्रक्चर तैयार होंगे, ये हमारे सारे स्ट्रक्चर इसी तरीके से ही तैयार होंगे। और स्ट्रक्चर लगाने का जो तरीका है, ये हमारे सारे स्ट्रक्चर तैयार हो गए, टोटल 6 स्ट्रक्चर तैयार हो गए हैं सॉरी। और एक पैनल में 2 लगेंगे, इस तरीके से दिखता है कुछ स्ट्रक्चर। तैयार करने के बाद ये जो आप बोल्ट देख रहे हो, ये छोटे बोल्ट होते हैं, इनके अंदर 2-2 वार्सल यूज की गई है। ये हमारे बोल्ट यूज होंगे पैनल्स को रोकने के लिए, पैनल जो है इन बोल्ट की मदद से रुकते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में ये कैप्सूल साइज, इसके ही अंदर हमारे बोल्ट वो छोटे वाले लगेंगे। और जैसे इसमें स्ट्रक्चर में कैप्सूल साइज है, पैनल में भी कैप्सूल साइज होल होता है, उसी में ही ये नट बोल्ट लगते हैं छोटे वाले। तो पैनल्स को ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद इसको लेकर जाएंगे हम छत के ऊपर, सोलर पैनल को निकालेंगे। मैंने इस वीडियो में
काफी जगह पे स्लो तो नहीं किया है, फास्ट किया हुआ है। जो जो काम की चीजें हैं वही आपको देखने को मिले और आपका बिल्कुल भी टाइम खराब ना हो, इस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना और वीडियोस को आप लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है हमको वीडियोस बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ये जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के साथ इसका वारंटी कार्ड निकलता है और इसके पीछे जो है स्टिकर लगा हुआ है, ये लुमिनस का ब्रांड है। और हर सोलर पैनल की दो लीडें होती है, एक प्लस की और एक माइनस की, और साथ में एक स्टिकर लगा होता है जिसमें इसकी जो जानकारी होती है, टेक्निकल जानकारी सारी स्टिकर में होती है। तो अब हम चढ़ते हैं मोमटी के ऊपर, क्योंकि तीनों पैनल यहाँ पे लगेंगे मोमटी के ऊपर और सोलर पैनल को भी हम ऊपर ही लगाएंगे। अब स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर ऊपर आ गया है। अभी हम एक स्ट्रक्चर यानी कि एक पैनल का स्ट्रक्चर को ही ऊपर लेंगे और एक पैनल को ही ऊपर उठाएंगे। हमने अभी यहाँ पे एक ही पैनल लगाना है, तो स्ट्रक्चर को हमने ऊपर उठा लिया है। और ऊपर उठाने के बाद जो हमारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फास्टनर का हम यूज करेंगे, फास्टनर हो गया, सारा सामान हम ऊपर रख रहे हैं। तो ऊपर से कुछ ऐसा नजारा है और ये जो है उत्तराखंड में लग रहा है। अगर आपको भी कहीं उत्तराखंड में लगवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो, वीडियोस में आपको कई जगह पे नंबर हम लोगों का मिल जाएगा। और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ना कि ऑन ग्रिड। 1 किलोवाट का सेटअप नहीं है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। अब जो है यहाँ पे एक सोलर पैनल लगेगा, इसके बगल में दूसरा लगेगा, फिर तीसरा लगेगा। तो सोलर पैनल को ओपन कर लिया है, अब इस सोलर पैनल को ऊपर उठाएंगे और उठाने के बाद हम इस सोलर पैनल को स्ट्रक्चर के ऊपर पहले फिट करेंगे। सोलर पैनल को ऊपर उठा लिया है, उठाने के बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर पहले हम फिट करेंगे। स्ट्रक्चर के ऊपर फिट करने के बाद इसके हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो लेग है, चारों लेग उसके हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पैनल को हम रखेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर और काफी ध्यान से रखेंगे, और वेट भी है पैनल का, इसको बड़े ध्यान से हम रखेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। ध्यान से रखने के बाद इसको हम पहले फिट कर लेंगे, क्योंकि एक दो पैनल है, कौन इसका मेजरमेंट करे, ज्यादा इतना टाइम नहीं है। हम फटाफट इसके ऊपर फिट ही कर लेंगे। फिट करने के बाद जो हमारे छोटे नट बोल्ट हैं उसको लगाने के बाद फिट कर लिया है। फिट करने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारे जो चार लेग थे, हमने चारों लेग के निशान लगा लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे वाइट वाइट जो है वो निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद हम मशीन से इसमें कर रहे हैं सुराग। तो यहाँ पे हम 8 mm के फास्टनर लगाएंगे। तो 8 mm के फास्टनर लगाने के लिए हमको स्लैब में यानी कि स्लैब लेंटर में सुराग करने के लिए 14 mm की बिट चाहिए। तो 14 mm की बिट से हम फास्टनर के लिए सुराग करेंगे और फास्टनर को उसमें फंसा देंगे। तो ये हमने फास्टनर को आप देख सकते हो मेरे पास फास्टनर पड़े हुए हैं, यहाँ पे फास्टनर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि फास्टनर यूज करने के बाद सोलर पैनल रुकेगा, और भी कुछ चीजें यहाँ पे यूज की जाएंगी। तो सभी फास्टनर को हम फंसाएंगे और 14 mm की बिट से ही फंसाएंगे। अगर हम कभी दीवार में सुराख करते हैं, फास्टनर को लगाते हैं, तो वहां पे समथिंग 12 mm की बिट लगती है, नहीं तो स्लैब के लिए 14 mm की बिट से ही फास्टनर लगता है, 8 mm का फास्टनर। तो फास्टनर को लगाने के बाद इसके जो नट बोल्ट हैं, फंसाने के बाद इसके जो नट बोल्ट हैं उनको खोलेंगे और पैनल्स को इसके ऊपर रखेंगे। पैनल को ऊपर रखने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। तो वीडियोस को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्या काफी ज्यादा स्पीड दिया है, और हमारा जो है एक सोलर पैनल लग चुका है, और इसी तरीके से हमारे दो पैनल लग चुके हैं, और तीनों पैनल, तीसरा जो पैनल है उसको लगाने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। दो पैनल तो हमने सेम इसी तरीके से लगाया, मगर तीसरा पैनल लगाने में हमको प्रॉब्लम आया, क्योंकि इसका जो स्पेस था, एक यानी कि जो एक स्ट्रक्चर लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो स्ट्रक्चर जो है इस दीवार के ऊपर आ रहा था। तो हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर का जो हम स्लैब में लगा रहे थे, तो हमने उसका रूट चेंज कर दिया, यानी कि उसको हमने चेंज कर दिया है। उसको कट करने के बाद दीवार में लगाने का जुगाड़ कर दिया, जुगाड़ नहीं किया, परमानेंट काम किया है। ये उसका जो नीचे का जो बेस था लैग का, उस बेस का जो दिशा थी उसको चेंज कर दिया है, वेल्डिंग की शॉप पे ले जाकर इसको चेंज कर दिया है, इस तरीके से कर दिया कि ये जो हमारा दीवार में ही ये इसको फास्टनर के मदद से हम इसको रोक दे, ये हमारा लैंटर में नहीं आ रहा था जहां पे
पैनल लगना था वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे जगह, इस जगह का थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम था, तो इसको अच्छे तरीके से वेल्डिंग कराया। वेल्डिंग कराने के बाद हमने उसको लगा दिया है वॉल में, वॉल में हम बाद में लगाएंगे। ये तीसरा पैनल है, इस पैनल को भी हम ऊपर लेके जाएंगे। और मेरा जो है हाथ में चोट भी लग गई थी जब मैं दूसरा स्ट्रक्चर को फिट करके उसको टाइट कर रहा था चाबी स्लिप होने की वजह से, तो आपको मेरे हाथ में पट्टी भी दिख रही होगी, तो काफी जगह आपको वीडियोस में पट्टी दिखेगी। तो हमारा जो है तीनों सोलर पैनल लग चुके हैं। तीनों सोलर पैनल लगने के बाद दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, वीडियो में आपको प्रॉपर वायरिंग किस तरीके से होती है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा, तो एंड तक आप जरूर देखना। तो तीनों सोलर पैनल को हमने लगा दिया गया है। तो तीनों सोलर पैनल लगाने के बाद तो इसकी किस तरीके से वायरिंग होगी उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ 1 किलो वाट की बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा 1 किलो वाट की अगर आप वायरिंग समझ गए तो आप 10 किलो वाट हो या 100 किलो वाट तक की सारी वायरिंग आप कर सकते हो। तो सोलर पैनल को हमने इस तरीके से लगाया है। अभी हमने फास्टनर से इसको फंसा दिया है, उड़ेगा फास्टनर से भी नहीं, मगर हम जो है इसका बेस भी बनाएंगे, फाउंडेशन भी तैयार करेंगे। फाउंडेशन किस तरीके से तैयार करेंगे उस चीज को भी मैंने आगे आपको दिखाया। तो तीनों सोलर पैनल लगने के बाद हमारे जो इन्वर्टर हैं अब हम उनको लगाएंगे। तो जो ये जो इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर है NXG 1800 है, और इस इन्वर्टर को ओपन करेंगे। मेरे हाथ में चोट लगी, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो साथ में हेल्प करा रहे हैं। और ये जो है हीरा है, और ये अभी हमारे साथ नए ही आए हैं। तो ये जो इन्वर्टर है और जो कैमरामैन है वो है हमारे मोहित। मोहित जी भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो अभी कैमरा मोहित जी संभाल रहे हैं। मोहित तिवारी नाम है प्रॉपर उनका पूरा नाम। तो ये लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर है 1800, मगर ये 1800 है समथिंग, 1300 1350 वाट तक हम इस पे लोड डाल सकते हैं। तो हर इन्वर्टर के अंदर सोलर पैनल का हो या नॉर्मल हो तीन ही वायर्स होती हैं, एक होती है मेन चार्जिंग के लिए और दो होती है बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए, चाहे सोलर इन्वर्टर हो या मेन इन्वर्टर हो। तो इसके अंदर भी तीन वायर हैं, एक प्लस की, एक माइनस की और एक चार्जिंग के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ST कनेक्टर, यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर पैनल की वायर्स, और यहाँ पे जो सॉकेट है उससे निकलेगा आउटपुट सप्लाई। तो इसको हम लगाएंगे इन्वर्टर को, इस इन्वर्टर को हमने रख दिया है साइड में। सामने से दिखने में क्या है, सामने से सोलर इन्वर्टर में काफी सारे फीचर्स होते हैं, उसके बारे में आगे आगे आपको पता चलेगा कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे और यहीं पे लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 10 किलो वाट का स्टेबलाइजर लगा हुआ है। हम इस स्टेबलाइजर का जो आउटपुट है उससे हम सप्लाई लेने के बाद ही इस इन्वर्टर को चालू करेंगे, इन्वर्टर को। तो इन्वर्टर को हमने रख दिया है। इन्वर्टर रखने के बाद जो हमारी बैटरीज है 150 एम्पेयर की, उस बैटरीज को हम ओपन करेंगे फटाफट। मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है कि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो और आपको सारी चीजें समझ में आए। बैटरीज को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। बैटरीज को निकालने के बाद अब हम बैटरीज के कनेक्शन करेंगे बाद में, इन्वर्टर के बाद में करेंगे। सबसे पहले हम वायर को डालेंगे सोलर पैनल को इन्वर्टर में कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो वायर है ये 8 mm की वायर है, हम 8 mm की वायर का यूज करेंगे यहाँ पे। और ये 10 मीटर की वायर है, 1 किलो वाट के लिए हम 8 mm की वायर का यूज करेंगे। इसको हमने सुराख किया है यहाँ पे, और सुराख करने के बाद हम इसको बाहर सीधे लेंगे। बाहर लेने के बाद पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे उस चीज को भी मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये वायर को हमने बाहर निकाल लिया है, दो ही वायर आएंगी, और सुराख करते टाइम पे वहां से ईंट निकल गई थी, इसको हम बाद में रिपेयर भी कराएंगे। तो दोनों वायर्स को हमने निकाल लिया है और ये वायर हमारी इन्वर्टर में कनेक्ट होगी। तो अभी हमारी सोलर पैनल के साथ कनेक्ट नहीं हुई, अब हम बैटरीज का जो लेवल होता है उसको लगा रहे हैं, बैटरीज के कनेक्शन करेंगे बाद में। अभी जो है
सिर्फ हम देख रहे हैं कि वायर छोटी तो नहीं हो रही है, बैटरीज के कनेक्शन हम करेंगे बाद में, पहले हम एक बैटरीज को जोड़ देते हैं दूसरी बैटरी के साथ, तो हमारा जो एक बैटरी का प्लस और दूसरी बैटरी का माइनस, हमारी एक बैटरी 12 वोल्ट की, हमको जो हमारा जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो हमको दोनों बैटरी को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके 12 वोल्ट होगा। तो एक बैटरी का प्लस लेंगे और दूसरी बैटरी का माइनस लेंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, तो 2 पॉइंट बचेंगे प्लस और माइनस के, वो इन्वर्टर के साथ जुड़ जाएंगे। तो 24 वोल्ट का कनेक्शन जो है, करंट जो है इन्वर्टर को मिल जाएगा। तो हमने बैटरीज को कनेक्ट कर दिया है, 24 वोल्ट बना दिया है बैटरी को, ये माइनस हो गया, ये देख सकते हो ये माइनस, और इस तरफ है ये प्लस, और उधर भी माइनस प्लस बचा हुआ है वो इन्वर्टर में लगेगा। तो इस तरीके से बैटरी को हमने 24 वोल्ट बना दिया है। और पैनल के किस तरीके से कनेक्शन होंगे, तो पैनल के कनेक्शन करने का जो तरीका है वो आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि वो चीज अगर आप समझ गए तो 1 किलो वाट हो या 10 किलो वाट हो या 100 किलो वाट हो, अगर आप उस चीज को समझ गए तो आप कहीं भी सोलर पैनल की वायरिंग कर सकते हो। तो अब जो है सोलर पैनल की वायरिंग करने से पहले जितनी भी दोनों लीडे हैं, तीनों पैनल की लीडों को हम खोलेंगे और इसके करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन अभी नहीं करेंगे, पहले आप समझोगे फिर बाद में इसके हम करेंगे कनेक्शन। लीडों को निकाल लिया है और ये तीसरे पैनल की भी लीड को हम निकाल लें। आगे जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसको काफी ध्यान से सुनना, अगर आपको वो मेरी बातें समझ में आ गई तो आप कहीं भी कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम क्यों ना हो उसकी वायरिंग काफी आराम से इजी तरीके से आप कर लोगे। तो उस चीज को काफी ध्यान से समझना, क्योंकि अब ये है वो चीज, आप कोई भी इन्वर्टर ले लो, हर इन्वर्टर के अंदर एक यूजर मैनुअल निकलता है, तो हमारा जो इन्वर्टर है वही डिसाइड करता है सोलर पैनल की वायरिंग, यानी कि सोलर पैनल की जो वायरिंग है हमारा इन्वर्टर ही डिसाइड करता है। तो हर इन्वर्टर के अंदर एक यूजर मैनुअल निकलता है और इन्वर्टर के पीछे भी लिखा होता है, स्टिकर लगे होते हैं उनमें भी लिखा होता है। तो जो टेक्निकल बातें होती हैं वो बड़े काम की होती है, तो इसमें भी देख सकते हो यूजर मैनुअल के थ्रू समझा रहा हूँ। ऐसी यूजर मैनुअल, ये सेम वही चीज है जो इन्वर्टर के अंदर निकली है। तो जो इसमें प्रोडक्ट है वो सोलर NXG 1800 है और 24 वोल्ट का है, और इसको जो इनपुट इनपुट जो है एक सोलर से आएगी और एक बैटरी से आएगी। तो इसमें इनपुट जो हमको देनी है, तो पहले हम बात करते हैं बैटरी। तो बैटरी का जो सिस्टम है, बैटरी के जो बोल्ट है वो हमको देने हैं 24 वोल्ट इन्वर्टर को बना के, यानी कि दो बैटरीज का हम 24 वोल्ट बना के दे देंगे। और जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के भी डिसाइड करते हैं वोल्टेज इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो है ये देख सकते हो आप, 36 V यानी कि 36 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट तक हम इस इन्वर्टर को वोल्टेज देंगे सोलर पैनल के। इतने वोल्टेज अगर हम देंगे तभी ये इन्वर्टर वर्क करेगा, चार्जिंग करेगा। अगर 36 वोल्ट 45 वोल्ट से अगर ऊपर जाएगा तो हमारा इन्वर्टर प्रॉब्लम करेगा, और 36 से नीचे चलेगा और 36 से ऊपर ही होना चाहिए, 45 वोल्ट तक हम देंगे तो प्रॉपर काम करेगा। और 1000 वाट तक के हम इस इन्वर्टर में सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो हर इन्वर्टर डिसाइड करता है कि इसको सोलर पैनल से कितनी वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना होगा 12 वोल्ट 24 वोल्ट सोलर पैनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोलर पैनल का जो मैक्सिमम जो पावर वोल्टेज होता है वही उसका सही वोल्टेज होता है। जैसे आप देख रहा होगा 39 वोल्टेज, ये लूम सोलर का 350 वाट का पैनल है, और इससे जो ये लुमिनस का जो हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाया है वो 325 वाट का है और 38.5 वोल्टेज के आसपास है उसमें, यानी कि 39 वोल्ट तक ही आएगा। तो आपने ये चीज समझ लिया, अब हम इसको समझाते हैं ड्राइंग के थ्रू कि हम किस तरीके से करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो सोलर पैनल है, इन्वर्टर है और बैटरीज है। तो जो उसकी वायरिंग करने का जो सही तरीका है क्या है वो मैं आगे ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि ये जो ड्राइंग उन लोगों के बहुत काम आएगी जो एकदम नए हैं और जो खुद भी अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं 1 किलो वाट का सेटअप। तो आप खुद भी लगा सकते हो इस तरीके से, ड्राइंग के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे जो सोलर पैनल है उसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक पैरलर में होता है और एक सीरीज में होता है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे पैरलर में। तो पैरलर में कनेक्शन किए हमने तीनों पैनल के, प्लस
एक जगह पे कर दिए, और उस प्लस को हमने एक कनेक्टर लगाया, MC4 कनेक्टर 3 पिन। वो 3 पिन को हमने लेके आया इन्वर्टर में, यानी कि प्लस हमारा यहाँ पे आ गया। और उसी तरीके से हमने तीनों पैनल के माइनस एक जगह पर कर लिए हैं, और उसमें भी 3 पिन MC4 कनेक्टर लगा है, और उसके कनेक्शन आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन किए हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, हमारा जो एक पैनल का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 38 पॉइंट कुछ है, यानी कि 39 वोल्टेज तक है। तो इसीलिए हमने पैरेलल में कनेक्शन किया है कि हम अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तीनों पैनल के, तो वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमको पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ा है। यहाँ पे हमको वोल्टेज चाहिए है 45 वोल्ट तक चाहिए हैं। अगर हम तीनों पैनल को सीरीज में करेंगे तो ज्यादा होंगे, पैरेलल में ही कनेक्शन होंगे। तो इस तरीके से होते हैं कनेक्शन। तो जैसा मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया है सेम वही चीज है, और बैटरी के 24 वोल्ट किए थे वो भी ड्राइंग में मैंने दिखा दिया है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कनेक्शन। तो आप देख सकते हो जो मैंने ड्राइंग में दिखाया था वही चीज सेम है। हम जो है वायरिंग में कभी भी जोड़ नहीं लगाते हैं डीसी की वायरिंग में। मैंने अक्सर वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं डीसी की वायर में जोड़ लगाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि पैनल में कभी प्रॉब्लम आता है उसका रिप्लेसमेंट वारंटी खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करेंगे, बेवकूफ वाला काम नहीं करेंगे, काफी अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम कनेक्टर का यूज करेंगे। तो हमारे जो पैनल है 3 पिन MC4 कनेक्टर होता है, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो इसको भी। तो देख सकते हो हमने क्या किया, तीनों एक पैनल का प्लस लिया और ये दूसरे पैनल का प्लस लिया, ये देख सकते हो प्लस, दो प्लस हमने यहाँ पे लगा दिए, और ये हमारे, ये मैंने लिया तीसरे पैनल का प्लस, यानी कि हमने यहाँ पे तीनों पैनल का प्लस ले लिया है सिर्फ एक MC4 कनेक्टर 3 पिन में, यानी कि तीनों प्लस हमारे इस कनेक्टर में आ गए। और अब बचे हैं हमारे 3 माइनस। तो 3 माइनस क्या करेंगे, हम एक MC4 कनेक्टर में लेंगे जो 3 पिन का है। तो इस, ये देख सकते हो इस तरीके से कनेक्शन करेंगे ये। तो माइनस हमारा यहां पे आ गया, एक माइनस हमारा यहां पे आ गया है, और ये दूसरा माइनस हमारा आ गया है, और ये हमारा आ गया तीसरा माइनस। तो हमारे जो है यहाँ पे कनेक्शन हो गया है काफी इजी तरीके से। तो जो चीज मैंने आगे आपको जो यूजर मैनुअल के थ्रू समझाया है, अगर आप कोई भी इन्वर्टर में वायरिंग करते हो सोलर पैनल की, तो सारा कुछ इन्वर्टर में ही लिखा होता है कि इसको कितने वोल्टेज चाहिए, उसी के हिसाब से ही इसके वोल्टेज देने पड़ते हैं हमको सोलर पैनल के। तो हमने जो है इसको कनेक्टर लगा दिया है, और MC4 कनेक्टर जो है उसकी सेटिंग भी कर दी है, लॉकटाई लगा के फिनिशिंग भी कर दी गई है। तो एक हमारा बन गया प्लस का और एक बन गया हमारा माइनस का। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है ये है हमारा प्लस का, ये प्लस का बना हुआ है, प्लस है नीचे उसका जो MC4 कनेक्टर है, और ये है माइनस का। तो इसमें जो हम कनेक्टर बना के लगाएंगे उसका जो है MC4 जो कनेक्टर होगा जो सिंगल वाला, उसको हम बनाएंगे उल्टा, यानी कि प्लस के वायर में हम कनेक्टर लगाएंगे माइनस वाला, और माइनस की वायर में हम कनेक्टर लगाएंगे प्लस वाला। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, तो हम इस चीज को भी अभी करेंगे। तो मैं सोलर पैनल की वायरिंग की बात कर रहा हूँ। सोलर पैनल की वायरिंग दो तरीके से होती है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ज्यादातर ऑफ ग्रिड में, पैरलर में भी होती है और सीरीज में भी होती है। ऐसा नहीं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम 1 किलोवाट का है तो इसमें सीरीज में नहीं हुई है, पैरलर में हुई है। पैरलर में सीरीज में दोनों मिक्स भी वायरिंग होती है। तो आगे जो कुछ मेरी वीडियोस और आएंगे उनमें मैं 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 या 10 किलोवाट तक में सबकी वायरिंग आपको बताऊंगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने पैरलर में ही सिर्फ कनेक्शन किया है पैनल का, सीरीज में नहीं किया है। तो हमने पैनल के कनेक्शन करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हो क्लैमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज, ये 39 वोल्टेज आ रहा है, यानी कि 39 वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा जो इन्वर्टर है उसको 45 वोल्टेज तक चाहिए, तो 39 वोल्टेज आ रहा है। 36 से 45 चाहिए तो हमारा 39 आ रहा है, ये एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जो है हम MC4 कनेक्टर लगाएंगे, जो हमारी दो वायर्स गई हैं इन्वर्टर तक, उन वायर्स में हम कनेक्टर लगाएंगे। तो जो हमारा प्लस का है उसमें हम लगाएंगे, जो प्लस की वायर है उसमें हम माइनस का कनेक्टर लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 3 पिन में है उसमें प्लस का लगा है। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है, तो इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। और ये लगाने का तरीका है काफी इजी, MC4 कनेक्टर बनाने का। और ये जब कनेक्टर में लगता है हल्का सा लूज करते हैं, उसके अंदर डालते हैं और एक आवाज आती है क्लिक की। जब क्लिक की आवाज आती है तो ये हमारा कनेक्टर पूरा तैयार होता है, और इसको हम ऊपर से इसका जो कैप है उसको लगा देते हैं। तो एक कनेक्टर हमारा बन के तैयार हो गया है, और ये हम दूसरे माइनस का कनेक्टर बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी सोलर पैनल लगवाना है, उत्तराखंड में अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है तो हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी और भी कहीं लगवाना है तो उसका उसके लिए भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। और ये पूरा 1 किलोवाट का कितने का सेटअप पड़ा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और सामने स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप संपर्क कर सकते हो हम लोगों से। तो ये हमारा प्लस की वायर लग गई है, और ये हमने लगा दी है माइनस की वायर। तो ये दोनों वायर्स जो है हमारी इन्वर्टर तक पहुंच गई। अब हम इन वायर्स की करेंगे सेटिंग। तो दोस्तों, अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी इन्वर्टर की वायरिंग बाकी है, इन्वर्टर की कुछ सेटिंग बाकी है, उसको स्विच बोर्ड में किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें चलेंगी, सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है। ये वायरिंग करने के बाद देखने में कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मगर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। तो इसके लिए जो हमारा जो बेस बनाएंगे, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया उसके लिए बेस बनाएंगे। बेस बनाने से पहले हम इसमें एक तरीके का केमिकल डालेंगे, ये डॉक्टर अफॉक्सी नाम का केमिकल है, और केमिकल कई तरीके के आते हैं। इस केमिकल का एक केमिकल आता है नीटोबेंट EP करके आता है, और केमिकल कई होते हैं। इस केमिकल का जो फायदा ये है, जो हमारा जो पुराना जो स्लैब है, यानी कि जो पुराना स्लैब है और हम इसके ऊपर एक नया स्लैब बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो पुराने स्लैब और नए स्लैब को जोड़ने के लिए एक तरीके का केमिकल होता है। यानी कि जब भी आंधी तूफान आया तो ये पूरा बेस के साथ उड़ ना जाए, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि बेस भी पूरा उड़ जाता है। तो हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे और इस केमिकल का भी यूज करेंगे। ये केमिकल समथिंग 1 लीटर में है। तो इस केमिकल का यूज किया है हमने, जहां जहां पे हमारा बेस बनेगा हमने वहां पे डाल दिया है। इसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब जो रेता बजरी का सीमेंट का जो हमने मसाला बनाया, यानी कि जो ये मसाला है और इसका हम बेस तैयार कर रहे हैं, और बेस तैयार करने के बाद इसको हम डाल रहे हैं जहां पे हमारे लेग हैं, छोटे लेग बड़े लेग, उसका हम बना रहे हैं बेस। इस बेस का फायदा यह है कि कभी भी आंधी आए या तूफान आए, हमने अपनी तरफ से ऐसा काम करने का कोशिश किया है कि ये उड़े ना, नहीं तो आंधी तूफान में अक्सर देखा है कि बेस भी साथ में उड़ जाता है, पैनल्स भी उड़ जाता है। ऐसा हम अपनी तरफ से 100% देते हैं कि कस्टमर को कभी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने बेस तैयार कर दिया, उसके लिए हम जो पीछे के जो बड़े लैग थे हमने फर्मों का यूज किया है। तो बेस हमारा तैयार हो गया, अगले दिन हम उसको खोल लेंगे जो फर्म है। तो हमारी जो नीचे वायर आ रही है हम उसमें ही वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो 39 वोल्टेज हमको दिखा रहा है। तो वोल्टेज हमारी 39 दिखा रहा है। अब हम करेंगे, हमारा पैनल लग गया, हमारा बेस तैयार हो गया, अब जो है हम इन्वर्टर की कर रहे हैं वायरिंग। तो हमारे पास देख सकते हो एक स्टेबलाइजर है 10 किलोवाट का, और 10 किलोवाट से हम एक बोर्ड लगाया है इन्वर्टर के लिए, क्योंकि इन्वर्टर को ऐसा नहीं कि सिर्फ धूप से चार्ज करेंगे, हम इसको मेन से भी चार्ज करेंगे। खराब मौसम में किस चीज से चार्ज करोगे, तो उसके लिए हमको मेन के लिए भी हमने दे दिया है। तो देख सकते हो हमारा जो फेस है वो हमारा आ रहा है राइट साइड में, बटन से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसकी जो इन्वर्टर की जो चार्जिंग की जो वायर होती है, इस चीज को ध्यान से सुनना, इन्वर्टर की जो चार्जिंग की वायर होती है उसमें 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। जो रेड होता है वायर, उसका जो कनेक्शन है वो हमारा उसमें फेस ही जाना चाहिए। इस तरीके से हमको सॉकेट में उसको कनेक्ट करना है कि हमारा जो रेड कलर की जो वायर है उसमें फेस ही जाना चाहिए, ब्लैक में न्यूट्रल जाना चाहिए और ग्रीन में अर्थिंग जाना चाहिए। तो हमने टॉप बना लिया है, इन्वर्टर की जो चार्जिंग की वायर है उसमें लगा दिया है, अभी हमने कनेक्शन नहीं किया। अब हम जो हमारे यहाँ पे देख सकते हो ये PB+
और ये माइनस, तो हमको इसका ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस की वायर लगानी है और माइनस की जगह पे हम लगाएंगे माइनस की वायर। तो वायर्स को, ये जो वायर है इसको हम छीलेंगे और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, ये ST कनेक्टर बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी काम का है। हम इसको हाउस वायरिंग में भी यूज़ लेते हैं क्योंकि आगे आप काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा हम इसको हाउस वायरिंग में भी यूज़ लेते हैं। ये क्या करता है, कहीं पे भी जोड़ होता है एल्युमिनियम की वायर होगी या एल्युमिनियम और कॉपर की वायर में जोड़ लगाने के लिए अगर आप ये कनेक्टर लगाते हो तो वो जोड़ कभी भी खराब नहीं होगा, ये बेनिफिट होता है इस ST कनेक्टर का। तो हमारी प्लस की वायर और लग चुकी है और माइनस की वायर को भी हम लगा रहे हैं। तो ये वायर कनेक्ट करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश किया कि यहाँ पे वायर कभी भी रॉन्ग ना लगे, अगर वायर रॉन्ग लगती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। वायर लगाने के बाद इस इन्वर्टर में कुछ सेटिंग होती है, उसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। तो हमारी सोलर पैनल की वायर लग गई है और इसके वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं। अब जो है यहाँ पे होती है इन्वर्टर की कुछ सेटिंग, तो यहाँ पे सेटिंग क्या है वो आगे मैं बताता हूँ। इसमें सेटिंग होती है बैटरी, हम बैटरी तीन तरीके की होती है लगाने की। तो हमारी ट्यूबलर बैटरी है तो ऑलरेडी ट्यूबलर पे सेट होके आता है और इसमें एक आई चार्जिंग होता है, हमको क्या है वो ऑफ है मगर हम उसको ऑन करेंगे। उसका ऑन करने का फायदा ये है जैसे कि कभी भी लाइट हो तब भी लाइट पे वर्क नहीं करेगा, उस समय भी हमारा जो इन्वर्टर है इन्वर्टर ही चालू रहेगा, उसी का आउटपुट निकालेगा। मगर हम उसको अगर ऑफ करते तो लाइट आने पे हमारा लाइट पे इन्वर्टर लाइट पे करंट चला जाता है और लाइट जाने पे इन्वर्टर पे चला जाता है। तो हमने उस चीज को ऑन कर दिया कि लाइट आए या ना आए हमारा एनी टाइम इन्वर्टर पे ही रहे, हमने उस चीज को कर दिया है, यानी कि वो बिजली सेविंग मोड होता है एक तरीके से। अब जो है हमारी जो बैटरीज की वायरें हैं हम उनको लगाएंगे, इन्वर्टर की जो बैटरी की वायरें हैं उनको लगाएंगे। ये प्लस की वायर हम प्लस में लगाएंगे और जो माइनस की वायर है उसको हम माइनस में लगाएंगे। और यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से टाइट करना है, और टाइट करने से पहले एक ग्रीस इसमें लगाओ या वैसलीन लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है हल्का सा लूजिंग होता है, कहीं से मॉइस्चर मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन टाइप का जम जाता है जिससे कि बैटरीज में प्रॉब्लम इन्वर्टर प्रॉब्लम करता है चार्ज होने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, आप उसका यूज़ जरूर करें या ग्रीस का, बैशलीन का, कुछ लोग शैम्पू का भी यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो हमारी ये माइनस की, जैसे ही हम इन्वर्टर को कनेक्ट किया माइनस की वायर लगा तो हल्का सा स्पार्क करता है, थोड़ी सी आवाज़ भी करता है, तो उससे आप कभी भी ना डरें। तो ये हमारी जो है इन्वर्टर की कनेक्टिविटी हो गई है, बैटरीज को हमने कनेक्ट कर दिया है। बैटरीज को कनेक्ट करने के बाद अब इसका जो काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर की जो वायर है वो नहीं पड़ी है MCB बॉक्स तक, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टर लगा है तो हमको MCB बॉक्स तक इन्वर्टर की वायर भी देनी। तो इन्वर्टर कनेक्ट हो गया है, इसका जो प्लग है हम लगाएंगे बाद में, प्लग अभी लगाते हैं हम। प्लग लगाने के बाद अभी हम इसको चालू नहीं करेंगे, अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, सोलर की कनेक्टिविटी दिखा रहा है। और उसके बाद में जो हमारा जो आउटपुट जो सप्लाई होगी इन्वर्टर का, जो आउटपुट सप्लाई होगी उसको हम MCU बॉक्स तक लेके जाएंगे। तो ये जो वायर है हम MCU बॉक्स तक लेके जाएंगे, हमने अभी फंटी खोला है, वहां से वायर हमारी आएगी सीधे MCU बॉक्स में। तो नीचे ये है MCU बॉक्स और इस MCU बॉक्स को हम फटाफट खोलेंगे मशीन की हेल्प से, क्योंकि रात में हमने इसकी वायरिंग की थी पूरे घर की, टाइम तो हो ही गया था। तो वायर के थ्रू हम वायर को खींच रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो स्विच बोर्ड था उसमें इन्वर्टर की वायर पहुंची थी, हमने उस वायर के साथ ये वायर को हमने बांध दिया। और ये जो 1.5 mm की वायर हम यूज कर रहे हैं सबको यही सप्लाई देगा, 1 kW, 1 kW 1300 W का लोड चलेगा, तो इस 1.5 mm की वायर से आराम से चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंपनी की वायर है, समथिंग पॉलीकैप की वायर है, और ये देख सकते हो यहाँ पे हमने इस वायर को लूप कर दिया है क्योंकि इन्वर्टर का करंट हम यहाँ इस वायर से ले लेंगे उस बोर्ड में, और बाकी की जो रेड वायर है हमारी यहाँ पे इस MCB बॉक्स में आ गई है। इन्वर्टर की ही वायर है, ये वायर के थ्रू वायर खींच रहे हैं,
उस बोर्ड में इन्वर्टर की वायर पहले से ग्रीन वाली पहुंची थी, हमने उसको निकाल लिया है और इस रेड वायर को खींच लिया है। तो यहाँ पे पहले से ही इन्वर्टर के कनेक्शन एमसीबी में लगे थे, तो एमसीबी भी हम लगाएंगे इन्वर्टर के कनेक्शन में। तो देख सकते हो जितने भी हमारे जो सर्किट के साथ जो हर रूम में जो इन्वर्टर की वायर पड़ी है उसको हमने एक साथ कर लिया है, और एक साथ करने के बाद उसमें हमने लगा दिया एक 10 एम्पेयर की एमसीबी। और एमसीबी में लगाने के बाद जो उसकी जो इन वायर है, जो हमारी जो रेड कलर की जो वायर आ रही है इन्वर्टर की, इसका जो फेस आ रहा है उसको हम नीचे से देंगे, इन कराएंगे, बाकी आउटपुट हो गया एमसीबी से। एमसीबी लगाने का जो फायदा ये है कि कभी भी अगर हमारा इन्वर्टर की लाइन में कभी प्रॉब्लम आता है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, हमारे इन्वर्टर तक प्रॉब्लम्स को जाने नहीं देगा। एमसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगी, या इसका फेस कभी फेस के साथ टच होता है या न्यूट्रल के साथ टच होता है तो ये एमसीबी ट्रिप करेगा। एमसीबी लगाने का ये फायदा है, कभी भी आप हाउस वायरिंग करते हो तो एमसीबी जरूर लगाएं इन्वर्टर की वायरिंग में। नहीं तो वैसे इन्वर्टर में सेफ्टी के लिए पॉइंट फ्यूज होते हैं, एमसीबी भी होती है तो वो भी काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता है तो सीधे इन्वर्टर की पीसीबी खराब होती है। तो कभी भी हाउस वायरिंग करो तो इन्वर्टर की वायर में एमसीबी जरूर लगाएं, इससे काफी फायदा होता है, इन्वर्टर हमारा सेव रहता है, इन्वर्टर हमारा क्या कस्टमर का सेव होता है। तो हमारी जो है वायरिंग एमसीबी बॉक्स तक वायर आ गई है। अब जो है हमारे जो रूम के जो स्विच बोर्ड है उनको ओपन करेंगे और जो जो पॉइंट है हम उनको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है हमने एक फ्रिज का जो फेस है, जो किचन का जो फेस है उसको भी हमने डायरेक्ट कर दिया है, उस चीज को मैं नहीं दिखा पाया। तो अब ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में इन्वर्टर के जो सॉकेट है उसमें हम लगा देंगे, ये 3 पिन टॉप लगा दिया है, और इसका जो 3 पिन की जो वायर है यहाँ से सिर्फ हम फेस लेके जाएंगे, और वो फेस लगता है राइट हैंड पे जहाँ से एल लिखा होता है, जो टॉप में एल लिखा होता है हमेशा वायर वहीं पे लगती है, यहाँ से हमारा इन्वर्टर का फेस जाएगा। और इन्वर्टर का फेस गया है, और जो हमारा जो किचन का जो सर्किट है उसको उसका जो पूरा जो फेस है हमने उसको इन्वर्टर का ही दे दिया है, क्योंकि वहां पे फ्रिज भी चलाना है। कस्टमर की डिमांड है, उन्होंने मेरे को बता दिया कि मेरे को इतने पॉइंट चाहिए इन्वर्टर पे, तो वो सारे ही पॉइंट हम इन्वर्टर पे दे रहे हैं। और जो हमारा जो फ्रिज जहाँ पे किचन का जो सर्किट था, जो किचन के लिए जो सर्किट डाला था जिसपे चल रहा था, तो हमने क्या किया, किचन का जो सर्किट था उसी सर्किट का जो फेस था हमने उसको इन्वर्टर की वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, फेस के जो मेन लाइन के साथ हटा के इन्वर्टर की लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये पूरा जो बोर्ड है वो उस पे आ गया है इन्वर्टर पे, और यहाँ पे जो फ्रिज है वो भी इन्वर्टर पे चल रहा है। तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा जो हमारा स्विच बोर्ड है जो इन्वर्टर को जो चार्जिंग मेन से दे रहा है उसकी मेन ऑफ कर रखी है, सिर्फ धूप से ही इस इन्वर्टर को चार्ज कर रहे हैं, और इसकी मेन जो है स्विच से बंद कर दिया है, जो बटन है उससे बंद कर दिया है। और इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या लोड चल रहा है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आपको लेके चलता हूँ छत के ऊपर, फाउंडेशन कैसी बनी है उसको भी देखते हैं। तो फाउंडेशन कुछ ऐसी बनी है और तीनों पैनल देखने में कुछ ऐसे हैं, और इसका जो बैकअप टाइम है 8 से 10 घंटे का बैकअप टाइम होता है 1 किलो वाट का, और 1 किलो वाट में 1000 वाट तक के पैनल लगते हैं। यहाँ पे 1000 वाट तक का पैनल लगा है और 1800 VA का इन्वर्टर लगा है, यानी कि 1300 वाट तक का लोड। तो ये पूरा घर जो है इन्वर्टर पर ही कर दिया है, यहाँ तक कि जो फ्रिज है फ्रिज पूरा इन्वर्टर पर है। जो फ्रिज है वो है 210 लीटर का, इसका जो पूरा सर्किट था वो हमने उसको इन्वर्टर का ही कर दिया, तो ये पूरा फ्रिज इन्वर्टर पर चल रहा है। और उसके बाद ये 2 फैन यहाँ पे चल रहे थे, LED TV चल रही थी, उसके बाद बाथरूम में सप्लाई जा रही है, यानी कि पूरे घर में करंट जा रहा है इन्वर्टर का। और इसको हो गया है 2 वीक से ऊपर हो गया है, और अभी तक इसकी मेन सप्लाई जो स्विच बोर्ड है जो इन्वर्टर मेन से चार्ज होता है मेन दी ही नहीं है, मेन को बंद करके रखा हुआ है। ये बाथरूम है, इसको पूरा इन्वर्टर पे दिया गया है, और यहाँ पे जो फैन है फैन पूरा 2 प्लेट हो गया, 2 लाइट्स हो गई, नाइट बल्ब हो गया, तो सारा कुछ लोड जो है पूरा इन्वर्टर के ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कहीं पे लगवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो।